शुरू करते हैं माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज़। ठीक है, टोटल हमारे 164 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। सो यहाँ पे माइक्रोवेव और रडार से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। ओके, दो टॉपिक्स। तो पहला है यूज़ ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। तो हम टेलीफोन नेटवर्क में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं या करते थे, इन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं करते, इन फैक्ट्री नहीं, इन TNE भी नहीं। तो माइक्रोवेव कहाँ जाता है, इसकी आवृत्ति रेंज 1 GHz से 300 GHz होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 1 GHz से हमारा 300 GHz तक माइक्रोवेव की रेंज हो सकती है। ओके, और इसका यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है, टेलीफोन नेटवर्क, रडार के अंदर, वायु नेविगेशन मतलब एयर नेविगेशन के अंदर, इन सब में होता है। फिर देखते हैं इधर फोर्थ, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया इज द इंटीग्रल ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका इंटीग्रल है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एरिया। तो उस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका इंटीग्रेशन हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देता है। बट क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की, तो नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे लेना ज़रूरी है। जैसे कि ये एक सरफेस एरिया है, तो इसका जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो, जैसे ये ए कैप थीटा है मान लो, तो ये हमेशा इसकी नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ हमने EMT में सीखी थी कि हमेशा जो डायरेक्शन ली जाती है उसकी नॉर्मली ही ली जाती है, किसी भी एरिया की अगर बात करें। तो जो DS हम लेते हैं, तो नॉर्मल कंपोनेंट के पैरेलल तो बिल्कुल नहीं लेंगे, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एरिया, और उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देता है। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट है, कि Q इज इक्वल टू हमारा फाई क्लोज सर्फेस एस का इंटीग्रेशन D.DS, या फिर ρv dv, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ρv dv, और सर्फेस के रेस्पेक्ट में तो D.DS। ये वही फार्मूला हो गया। तो यही हमारा जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस लॉ भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जो चार्ज इनक्लोज होता है वो D.DS के इक्वल होता है, क्लोज सर्फेस और वॉल्यूम, ओपन वॉल्यूम ρv dv। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, इन ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन रिसीवर मोस्ट ऑफ द रिसीवर सेलेक्टिविटी इज अचीव्ड इन। ठीक है, ज़्यादातर रिसीवर सेलेक्टिविटी हम कहाँ अचीव करते हैं, तो RF सेक्शन में अचीव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन रिसीवर की बात कर रहा है, ब्रॉडकास्ट सिस्टम की। तो उसके अंदर RF हमारा मेन होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो रेंज होती है। तो लोकल ऑसिलेटर मिक्सर IF सेक्शन नहीं, RF सेक्शन के अंदर हम ज़्यादातर रिसीवर की सेलेक्टिविटी को अचीव करते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट के इक्वल होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट के इक्वल होगा, उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये SRO का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है मेन फार्मूला, वो ये है कि भाई जो कट वेवलेंथ है हमारी, वो लैम्डा इज इक्वल टू वी अपन एप्सिलॉन आर इनटू एफ। ये चीज़ यहाँ पे लग रही है, एप्सिलॉन आर हमको दे दिया है, एप्सिलॉन आर हम अलग से ले आ रहे हैं, वरना बात करें तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारा सी होता है, जो नॉर्मल फार्मूला होता है। ये फ्रीक्वेंसी है एफ, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। अब सी को हम वी भी लिख सकते हैं, जो हमारा स्पीड होगी, बट यहाँ पे स्पीड बदल जाएगी। तो ये चीज़ है, ये नॉर्मल फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बात हो रही है कि द वेवलेंथ 100 MHz है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू परफेक्ट नॉन मैग्नेटिक डायलेक्ट्रिक विद रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमें वैल्यू दी है, ये हमसे पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ 100 MHz। तो हमसे ये दी गई है, क्या दी गई है, हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ पूछी है। ठीक है, तो लैम्डा इज वी नॉट अपॉन एफ, तो ये चीज़ करी है हमने यहाँ पे, 3 × 10⁸ अपॉन हमने क्या किया है, √9 किया है, और इसको लिखा, ये इसको अलग से लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3 × 10⁸, और ये एप्सिलॉन आर हमारा रूट में लेंगे, तो ये हम √9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 100 MHz। तो ये इस तरीके से आएगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारा 100 cm या फिर 1 m, जब इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि ये 10⁶ से 8 कर जाएगा, यहाँ केवल 200 बचेगा, ये 100 और 10⁶ पूरा मिला के ही 10⁸ हो जा रहा है, और ये जो बच रहा है 3 / √9, वो भी 3, तो ये क्या दे रहा है, 1। तो ये 1 आंसर मीटर हुआ, क्योंकि 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट m/s में होती है, तो इस वजह से हमारा 1 m या फिर 100 cm इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो इन्होंने ये कर दिया है √9 अपॉन ये √9 में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात की, जो एप्सिलॉन आर लेते हैं, तो ये हम रूट इसका लेंगे, रूट वैल्यू लेंगे, और ये जो वैल्यू है ये इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट रिलेशन, तो हमें इनकरेक्ट रिलेशन को हटाना है। ठीक है, तो करेक्ट क्या है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, B इज इक्वल टू μh,
ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और हमारा जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा करंट डेंसिटी का, ये कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो बी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, जो तो हम जो हमारा ये वाला हो जाएगा फोर्थ वाला, ये इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने दिया है बी इज इक्वल टू म्यू डी दिया है इनने, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। उसके बाद बात करते हैं टेंथ की, पोलराइजेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द डायरेक्शन ऑफ, तो रेडियो वेव्स का पोलराइजेशन हमारा किसके डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, ये हमें याद रहना चाहिए। पोलराइजेशन ऑफ रेडियो वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं सेवेंथ की। अच्छा, ये सिक्स वाले के तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहने चाहिए, इनका कहीं ना कहीं काम आ जाता है। ये डी और ई का रिलेशन है, ये बी और एच का रिलेशन है। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डी क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सियल रेशियो 45 डिग्री लीनियरली पोलराइज ईएम वेव। तो एक्सियल रेशियो की बात कर रहा है एक 45 डिग्री लीनियरली पोलराइज ईएम वेव की इन डीबी, तो वो हमें बताना है, तो हमारा इन्फिनाइट वैल्यू होगी अगर हम किसी भी लीनियरली पोलराइज वेव की बात कर रहे हैं उसके एक्सियल रेशियो की, और वो एंगल उसका 45 डिग्री है। तो ये केवल याद करने वाली बात है कि उसका जो एक्सियल रेशियो की वैल्यू होगी तो वो हमारा इन्फिनाइट होगी। ये एसआरओ का क्वेश्चन है 2014 का, इन्फिनाइट याद रखना है, लीनियरली 45 डिग्री लीनियरली पोलराइज ईएम वेव का। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं फीडिंग की। ये फीडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, छोटा सा एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है कि फीडिंग इज, फीडिंग क्या है? तो फ्लक्चुएशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ एट रिसीवर। फीडिंग मतलब फ्लक्चुएशन होना सिग्नल की स्ट्रेंथ में। तो चेंज इन पोलराइजेशन ये नहीं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं, आखिरी वाला चेंज इन फेज नहीं, तो ये कुछ नहीं, सिग्नल की स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएट करना रिसीवर की साइड में, यही हमारा क्या होता है, फीडिंग होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एट्थ, द चेंज इन फेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टिंग कंडक्टिंग वॉल। तो अगर एक अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कहाँ गिरा रहे हैं, एक नॉर्मली इंसिडेंट ऑन परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल, एक कंडक्टिंग वॉल पे, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग वॉल है परफेक्ट, इस पे हम ये ईएम वेव को गिरा रहे हैं, आके ये ईएम वेव को गिरा रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन फेज कितना होगा, तो पूरा 180 डिग्री का हमारा फेज चेंज हो जाएगा। ये कुछ इसी तरीके की बात है कि अगर ये एक वॉल है, ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, इसकी कनेक्टिविटी अच्छी, इस पे आप ईएम वेव को गिराओगे तो जब ईएम वेव इसमें जाएगी या इससे वापस आएगी तो पूरा 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो जाएगा उसका। तो ईएम वेव और परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल में जब भी कोलिजन, मतलब दोनों का वो होता है, ईएम वेव का टकराव होता है परफेक्ट कंडक्टिव वॉल से, तो उसमें 180 डिग्री का पूरा फेस शिफ्ट आता है। तो इसको मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया जिससे थोड़ा याद रहे दिमाग में। उसके बाद करते हैं बात की द ट्वेल्थ की। यहाँ के कह रहा है द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट लॉसलेस लाइन ऑफ लेंथ लेस देन अ क्वार्टर वेवलेंथ इज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वो कह रहा है इसमें कितनी बातें कह रहा है, एक तो कह रहा है शॉर्ट सर्किट, एक कह रहा है लॉसलेस मीडियम है हमारा, और जिसकी लाइन ऑफ लेंथ है हमारा लेस देन, ठीक है, एल क्या है, लेस देन हमारा लैम्डा बाई फोर, क्वार्टर वेवलेंथ से कम है उसकी, तो उसका इनपुट इम्पिडेंस हमारा क्या होगा, तो प्योरली इंडक्टिव होगा। ये तो एक लाइन का आंसर आ गया। अब इसको निकाला कहाँ से, तो जेड एन की जो वैल्यू होती है, जो इनपुट इम्पिडेंस, आप कैसे निकाल सकते हो, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पहले आप लिखो जेड नॉट या जेड ओ, मतलब जेड आउट, फिर ये आपका जेड एल प्लस जेड ओ टेन बीटा एल अपॉन जेड ओ प्लस आई, ये जे होगा जे जेड टेन बीटा एल, इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो L है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लैम्डा बाई फोर इन लॉसलेस मीडियम, और फिर लिखा भी है कि लेंथ लेस देन अ क्वार्टर वेव। तो यहाँ पे जब Zn की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा I या फिर J Zo tan बीटा L बचेगा केवल। तो ये चीज़ है। अब ये हमने क्या किया, ये जो L वाला टर्म था इसको हमने हटा दिया है क्योंकि L बहुत छोटा है, जब ये हटा दिया तो ये इससे कट जाएगा। वही सॉल्व करते करते फिर हम इस चीज़ पे पहुँचे हैं। तो ये कुछ ऐसा, ये प्योरली इंडक्टिव है, तो इस वजह से प्योरली इंडक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या क्या तीन चीज़ हुई, मैं रिवाइज करता हूँ, शॉर्ट सर्किट किया है, लॉसलेस लाइन ऑफ लेंथ है, उसका लाइन का लेंथ कितना है, लैम्डा बाई फोर से काफ़ी कम है, तब हम जो पूछ रहे हैं कि इनपुट इम्पिडेंस हमारा क्या होगा, तो प्योरली इंडक्टिव होगा। उसके बाद आते हैं नाइन्थ के ऊपर कि इफ़ फ्रिक्वेंसी इज डिक्रीज फोर टाइम्स, अगर फ्रिक्वेंसी को चार टाइम घटा देंगे,
और यहाँ रिलेशन बात कर रहा है फ्रिक्वेंसी और स्किन डेप्थ की। स्किन डेप्थ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड अ कंडक्टर विल बी, तो स्किन डेप्थ का क्या होगा? तो यहाँ बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है कि स्किन डेप्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी को हमने क्या किया कि 4 times घटा दिया, मतलब फ्रिक्वेंसी बाय 4 कर दिया, तो ये रूट 4 ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2 times। तो हम ये कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को 4 times घटाने को हम लिख सकते हैं 2/√f। ये वही चीज़ है, ये किसके इक्वल है कि फ्रीक्वेंसी को 4 times घटा दिया, तो इसका मतलब है कि स्किन डेप्थ हमारी पूरी 2 times बढ़ गई, तो स्किन डेप्थ हमारी जो है वो डबल हो जाएगी। तो इसमें बस ये रिलेशन ही लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है काफ़ी। बाकी फिर इसी को ये del 1 del 2 करके सॉल्व किया है, आप ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 13 है कि फॉर अ प्लेन ट्रेवलिंग ईएम वेव द करेक्ट इक्वेशन फॉर अ करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड फॉर द मीडियम विद परमिटिविटी ये और ये, मतलब जेड म्यू और एप्साइलन का हमसे रिलेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे जेड म्यू और एप्साइलन के बीच में रिलेशन जो सही रिलेशन होता है वो होता है जेड इजकल टू रूट म्यू बाई एप्साइलन। तो यहाँ पे ये जो सारे हैं म्यू इंटू एप्साइलन गलत है, ये अपॉन में गलत है, एप्साइलन अपॉन म्यू गलत है, तो म्यू बाई एप्साइलन होता है। Z हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस Z। ओके, तो Z म्यू एप्सिलॉन के रिलेशन में Z इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख देता हूँ, रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। नेक्स्ट चलते हैं, स्किन डेप्थ हमने देख लिया, जो स्किन डेप्थ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट फ्रीक्वेंसी के, Z इज इक्वल टू रूट म्यू बाई एप्सिलॉन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है 14, यहाँ पे क्या कह रहा है, द ईएम वेव विच डज नॉट प्रोपोगेट थ्रू अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड विद ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 15 mm। ये यूनिट्स दी हैं, मतलब लेंथ दी है जो हमारा रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड का मतलब कि ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है और ये हो गया, तो ये हमारा वेव गाइड है जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो इसकी हमारी लेंथ और ब्रेथ, मतलब जो आगे का फेस है उसकी यूनिट्स हमें दे दी हैं। अब हमसे पूछा है कि ईएम वेव विच डज नॉट प्रोपगेट, तो कौन सी ईएम वेव इससे प्रोपगेट हमारा नहीं करेगी, तो हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है कि यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आप कट ऑफ वेवलेंथ निकालते हैं तो जो उससे ज़्यादा वाली होती है वो हमारा प्रोपोगेट नहीं करती है, और जब हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो उससे कम वाली वैल्यू होती है वो प्रोपोगेट नहीं करती है। तो ये कम ज़्यादा वाला समझना रिलेशन ज़रूरी है वेवलेंथ और इसका। तो हमने यहाँ पे यही किया, एफ सी को लगाया, एफ सी का फॉर्मूला होता है C/2a। ओके, एफ सी जो कट ऑफ वेवलेंथ इसका आएगा ईएम वेव के इस रेक्टेंगुलर हमारा वेव गाइड में, तो ये हमारा आ रहा है एफ सी इजकल टू C/2a। सी की वैल्यू हमने लगा दी 3×10^8, 2 और a जो गिवन है, तो यहाँ से 5 GHz आया, तो 5 GHz से जो कम वैल्यू वाली है फ्रिक्वेंसी वो हमारा पास नहीं हो सकती है, प्रोपगेट नहीं हो सकती है, तो हमारी ये a 4.5, बाकी 5.5, 50, 300 ये तीनों वैल्यू हमारी प्रोपगेट हो जाएंगी, तो केवल 4.5 GHz वाला प्रोपगेट नहीं करेगा। अच्छा, कट ऑफ वेवलेंथ जब निकालते हैं तो कट ऑफ वेवलेंथ जो ज़्यादा वैल्यू है उससे वो प्रोपगेट नहीं करती, फ्रिक्वेंसी में जो कम वैल्यू है वो प्रोपगेट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, पहले ये 17 है कि द बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट एन इंटरफेस बिटवीन अ कंडक्टर एट अ डाइलेक्ट्रिक। तो बाउंड्री कंडीशन है, इनका मतलब नहीं है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बीच में बाउंड्री कंडीशन है जिसकी परमिटिविटी हमारी एप्सिलॉन है। तो बाउंड्री कंडीशन हमको बतानी है कि इसमें से कौन सी हमारी सही होगी। तो बाउंड्री कंडीशन में हमेशा 2 components रहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट। टेंजेंशियल को ET या फिर DD से शो करते हैं और नॉर्मल को EN या DN से शो करते हैं। तो हमेशा कंडक्टर डायलेक्ट्रिक बाउंड्री के लिए ET जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो 0 होता है। ये क्वेश्चन और भी 1-2 बार आ चुका है, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टेंजेंशियल जो होगा वो 0 होगा, लेकिन जब बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक बाउंड्री की, तब। उसके बाद चलते हैं 15 पे, फॉर अ पॉइंट चार्ज हैविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू, ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, Q/4πr² ar। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वेयर ar इज अ यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी पूछ रहा है। तो हमें D दिया है और रो वी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो रो वी की वैल्यू लगाने के लिए पूरा हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लगाने पड़ेंगे। ये क्यों, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और इसके अराउंड एक स्फेयर को हम अज्यूम करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लगाएंगे। अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल Q/4πr² ar। तो एक तो ये डी का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि रोवी लगाएंगे हमारा, जो हमें रोवी सॉल्व करके लाना है,
ये पूछा गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी इज, वो हमसे पूछा है, तो फिर हमने ये सिलेंडर सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लगा दिए, तो 1/r² डेल अपॉन डेर आर आर स्क्वायर डी आर, फिर 1/r sin थीटा डेल अपॉन डी थीटा डेल थीटा और डी थीटा साइन थीटा प्लस 1/r sin थीटा इसमें भी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि डेल ऑफ डी फाई और ये हमारा डेल फाई। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये जो आर थीटा लिखा है ये डेल ऑफ थीटा है, ओके इस तरीके से इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू दे देगा 0, क्यों, क्योंकि इसके अंदर केवल कांस्टेंट बचेगा, डेल अपॉन डेर आर के लिए केवल और केवल कांस्टेंट बच रहा है, तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे वो दे देगा 0। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब हम डी की बात करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रोवी वो हमारा 0 हो जाती है जब पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं, और हम निकालते क्या रोवी निकालते हैं। उसके बाद 18 पे आते हैं, आप प्लेन वेव विद द फॉलोइंग इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जेड ऑफ टी ए एक्स ई टेन साइन ये प्लस ए वाई ई 20 साइन ये, तो दो हमारे टर्म्स हैं, दूसरे वाले टर्म को मैं दूसरे उससे लिखता हूँ ए वाई ई 20 और साइन ये। अब हमसे पूछ रहा है कि किस तरीके का पोलराइजेशन है यहाँ पे, ये बताना है यहाँ पे इलेप्टिकली पोलराइज वेव ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये साई अलग से आ रहा है, अगर इसको ध्यान से देखें तो साइन ओमेगा टी माइनस के जेड तो पहले में था, दूसरे में ये प्लस साई आ रहा है, ये प्लस साई आने की वजह से ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेप्टिकल पोलराइजेशन हो जाएगा, तो इलेप्टिकली पोलराइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये जो वेव फॉर्म है प्लेन वेव की इक्वेशन दे रहा है एक्सप्रेशन, ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे इलेप्टिकल पोलराइजेशन है इस साई की वजह से, ये जो प्लस साई आ रहा है दोनों अलग अलग टर्म्स में। उसके बाद बात करते हैं 16 की कि द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी, ई और वी के बीच में रिलेशन में बताना है, और ये पॉइंट फॉर्म में बताना है या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ई माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये रिलेशन होता है, तो बाकी कोई भी रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत है, ई इज इक्वल टू वी ए आर, वी इज इक्वल टू डेल डॉट ई, ये भी गलत है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल और फिर डबल डेल, ये गलत है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट वी, ये ई और वी के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमारा रिलेशन होता है नॉर्मल। उसके बाद बात करते हैं, ये मगअप करने वाला क्वेश्चन है कि केवल याद कर लो, एट अ गिवन ये दिया है रियल एंड इमेजिनरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर डबल डैश 3 इंसुलेटर्स एट 1 किलो हर्ट्ज एंड 50 डिग्री आर लिस्टेड बिलो, तीन इंसुलेटर के अलग अलग दिए हैं, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट पीटी पीईई के, ये एप्सिलॉन आर डैश और एप्सिलॉन आर डबल डैश हमको दिया है, एट अ गिवन वोल्टेज लोअर पावर डिसिपेशन पर यूनिट कैपेसिटेंस एट 1 किलो हर्ट्ज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये बीएसएनएल का क्वेश्चन है 2006 का। यहाँ पे सीधे से आंसर याद रखेंगे कि पीईटी जो ये बीच वाला है जो ये होगा, इसकी वैल्यू हमारी पावर डिसिपेशन इसका लोअर होगा पर यूनिट कैपेसिटेंस एट 1 किलो हर्ट्ज, मतलब ये तो सभी के लिए फिक्स कर दी कंडीशन की पावर डिसिपेशन पर यूनिट कैपेसिटेंस और एट 1 किलो हर्ट्ज, पर इन तीनों में से सबसे कम किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा जिसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि सबसे ज़्यादा 2.58 जो वैल्यू है इसकी, ये सबसे ज़्यादा इसी के लिए है बीच वाले के लिए, तो जिसके लिए ये ज़्यादा वैल्यू होगी और उसका पावर डिसिपेशन जो होगा वो लोअर होगा उतना ही, तो यहाँ पे आंसर पीईटी हो जाएगा इस वजह से। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 20 की, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग इज अ लॉसलेस मैग्नेटिक डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मीडियम में हमारा मैग्नेटिक डायलेक्ट्रिक मीडियम में चल रही है, मीडियम इज गिवन बाई इलेक्ट्रिक, उसका जो वेव चल रही है उसका हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया है कुछ इस तरीके से, ये इफ ईटा नॉट रिप्रेजेंट द इंटेंसिक इंपिडेंस ऑफ फ्री स्पेस द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज गिवन बाई, तो ये हमको ई दिया है और हमको केवल क्या बताना है इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो बताना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगेगा, बाकी याद करने वाली बात है कि सेम जो ई ऑफ टी कॉमा जेड है तो एच ऑफ टी कॉमा जेड आएगा, अब ये एक्सप्रेशन तो सेम है हमारा 10^9t-20/3z, ये एक्सप्रेशन सेम है, चेंज कहाँ आ रहा है, ये ए कैप, वो ए कैप एक्स है तो एच हमारा उसके परपेंडिकुलर चलेगा तो ए कैप वाई होगा, तो ये ए कैप जेड और जेड वाले गलत हो गए, ये ए कैप वाई होकर ठीक हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा ये कॉस भी वही है सेम, हम क्या करेंगे इस रिलेशन को देखेंगे, देखो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच इज ई बाई ईटा, एच इज हमारा ई बाई ईटा, तो ई तो पूरी इक्वेशन रहेगी आप ईटा से डिवाइड कर दो, अब यहाँ पे ईटा नॉट दिया है कि ईटा नॉट रिप्रेजेंट इंटेंसिक इंपिडेंस, तो यहाँ पे हम किससे ईटा नॉट से डिवाइड करेंगे, पर टेन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, ये जरूरी है कि टेन अपॉन ईटा नॉट करना है, केवल वन अपॉन ईटा नॉट नहीं करना है, तो
ठीक है, टेन अपॉन ईटा नॉट करना है। तो इस तरीके से ई का कंपोनेंट ये दिया है, इस ई के कंपोनेंट से हम चेंज करके किस पे पहुंच रहे हैं, एच के कंपोनेंट पे पहुंच रहे हैं। सब कुछ सेम है, बस हमने ये अलग से डाला हुआ है टेन अपॉन ईटा नॉट। बाकी ये पूरी कैलकुलेशन है, इतने डिटेल के कैलकुलेशन से कुछ मतलब होगा नहीं, तो कैलकुलेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना याद रखेंगे कि ये यहाँ पे है और इसमें टेन से और हमें मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं 21। तो ये क्वेश्चन डीआरडीओ का है, इसमें क्या पूछ रहा है कि स्किन डेप्थ ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल एट 100 मेगाहर्ट्ज़। स्किन डेप्थ पूछ रहा है इतनी फ्रिक्वेंसी पे, वो दी है कि इज 0.15 mm, तो इतनी फ्रिक्वेंसी पे हमारी स्किन डेप्थ इतनी है। द डिस्टेंस विच अ प्लेन वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज़। अब फिर से डिस्टेंस पूछ रहा है, अब प्लेन वेव की बात कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज़ है, ट्रेवल्स इन दिस मटेरियल बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ ई की पावर -1। या फिर ये दूसरी एक वेव है जो इसी मटेरियल में 10 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से चल रही है, जब तक उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू 1/e हो गई, मतलब 1/e से मल्टीप्लाई हो गई या ई की पावर -1 टाइम्स घट गई। तो हमें यहाँ पे बताना है, डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है कि जो पूछा गया वो ये है। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर और इनटू ये एफ होता है, या फिर हम बोले तो स्किन डेप्थ और एफ, स्किन डेप्थ का स्क्वायर इनटू एफ होता है, ये कांस्टेंट होता है। ओके, ये कांस्टेंट होता है। अब ये भी इजी है, उतना हार्ड नहीं समझना। क्यों, हमने क्या देखा था कि स्किन डेप्थ जो हमने फॉर्मूला लिखा था 1/√f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब ये तो प्रोपोर्शनल की बात है, अगर आप इसको भी इधर ले जाओ तो फिर यहाँ क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो डी स्क्वायर और एफ इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख सकते हो, या फिर आप इसका इसको रूट करके भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि डी रूट एफ इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों बातें सही हैं। आप जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी होगा, आप कांस्टेंट का स्क्वायर कर दो, तो इससे ये बन गया डी स्क्वायर एफ इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि दो अलग अलग केसेस दिए हैं, पहले वाले में स्किन डेप्थ और फ्रीक्वेंसी दोनों हमको दे दी है, दूसरे बारे में वो डिस्टेंस करके पूछ रहा है, पर वो एक्चुअली में स्किन डेप्थ ही पूछ रहा है। तो स्किन डेप्थ हमको पूछा है और फ्रीक्वेंसी हमको दी है। तो यहाँ पे क्या है कि डी वन हमको पूछ गिवन है, एफ वन गिवन है और एफ टू गिवन है। तो ये तीनों वैल्यू जो है डी वन एफ वन एफ टू हमने लगा दी, इससे हम डी टू निकाल लेंगे, तो डी टू हमारा 0.015 mm आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ही लग रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, एक तो ये सॉल्व हुआ और ऊपर हमारा एक ये भी था, कहाँ गया ये, जब हमने फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा किया था, 4 times घटाया था, तो स्किन डेप्थ हमारी 2 times बढ़ गई थी। तो इस छोटे से रिलेशन से ये फॉर्मूले 2 questions सॉल्व हुए, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये रिलेशन है। उसके बाद बात करते हैं 22 की, द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइवर्जेंस की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो कितना होता है, वो 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइवर्जेंस अगर करेंगे, डेल्टा डॉट बी करेंगे, तो वो 0 हो जाएगा हमारा बिल्कुल। तो ये हमारा मैक्सवेल की इक्वेशन का एक पॉइंट फॉर्म का भी एक पार्ट, मतलब मैक्सवेल की 4 equations है, मैक्सवेल इक्वेशन, तो उसमें से हम उसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं और इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पॉइंट फॉर्म का एक इक्वेशन है आउट ऑफ 1 out of 4, तो डेल डॉट बी इजकल टू 0। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे डेल डॉट ई डी इजकल टू ई, तो डेल डॉट बी इजकल टू 0, यही चीज़ है। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक लाइन में पूछा गया, तो सीधे से आंसर 0 और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 27। यहाँ पे बात कर रहा है एक्स बैंड फ्रीक्वेंसीज की, आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी हमारी किस रेंज में होती है, तो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है। तो ये हमें देखना है, बस सीधे से याद रखना है, ये इसी में ही एई के एग्जाम में 2016 में पूछा था। तो एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी थी, तो इस तरीके से वो बाकी फ्रीक्वेंसीज की रेंज भी पूछ सकता है। तो ये 7 से 12 11.2 या फिर 8 से 12 लगभग बोला जा सकता है गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है हमारी एक्स बैंड की। उसके बाद बात कर रहा है 23 की, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच आर कपल्ड एंड प्रोपोगेटेड इन फ्री स्पेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो ई हमारा एक्स में जा रहा है और हमारा जो एच है वो वाई में जा रहा है, ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। ई हमारा एक्स में जा रहा है और एच हमारा वाई में जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि द पॉइंटिंग वैक्टर इज गिविन बाई, तो सीधे से यहाँ पर कुछ भी नहीं, हमें पॉइंटिंग वैक्टर का फॉर्मूला बताना था। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर किसी को थोड़ा सा हिंट हो कि वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का, तो ई और एच का ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन में कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, हम उस क्रॉस को हम डॉट बना देंगे। तो उसको करने के लिए हमें ये वेक्टर जो
यूनिट वेक्टर है, इनको चेंज करना पड़ेगा, जैसे एक्स कैप है, वाई कैप है, या एक्स कैप वाई कैप, इनमें से क्या सही है वो हमें अभी देखना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता है ई क्रॉस एच, तो ई क्रॉस एच है तो ई ए एक्स और ए वाई, तो ई क्रॉस एच मतलब ई डॉट एच और ए एक्स क्रॉस ए वाई, ये हमें करना है। ए एक्स और ए वाई का जब क्रॉस करेंगे तो वो हमें दे देगा ए कैप जेड, तो ये दे देगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं ई एच और जेड कैप, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई एच और जेड कैप। अब जो आप मिलाओगे इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इस ये तो गलत ही रिप्रेजेंटेशन है लिखने का सी वाला, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो ISRO में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमारा क्या है, ई क्रॉस एच, और फिर क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्स है तो ए कैप एक्स, और इसकी डायरेक्शन वाई है तो ए कैप वाई, इनको क्रॉस करना है जो कि ए कैप जेड बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 24, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटेड इन अ वेव गाइड। तो सीधे से ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ईजी, नोएडा मेट्रो में पूछा इलेक्ट्रॉनिक का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कैसे करती हैं। सो दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स बट डू नॉट ट्रेवल अलॉन्ग देम, तो वॉल से वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर उनके अंदर ट्रेवल नहीं करती, तो दे ट्रेवल अलॉन्ग द ब्रॉडर वॉल्स ऑफ द गाइड। तो यहाँ पे ब्रॉडर और नैरोअर वॉल्स की कोई बात ही नहीं है। ट्रेवल थ्रू द डायलेक्ट्रिक विदाउट टचिंग द वॉल्व, तो ऐसा भी नहीं, विदाउट टचिंग भी गलत हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होती हैं वॉल से। दे ट्रेवल अलॉन्ग ऑल फोर वॉल्स ऑफ द गाइड, तो ऐसा भी नहीं है, तो दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स बट डू नॉट ट्रेवल अलॉन्ग देम। ये हमारा ई एम वेव का मतलब एक्चुअली में वो पूछना चाह रहा है, ई एम वेव प्रोपगेटेड इन अ वेव गाइड, तो एक वेव गाइड में हमारा ई एम वेव कैसे चलती हैं, ये पूछना चाह रहा था यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं 28 की, द रेशियो ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ गुड कंडक्टर इज, रेशियो पूछ रहा है किसका, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का इन अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं, पहले तो हमें बीटा पता होना चाहिए, बीटा किसके इक्वल होता है, रूट पाई एफ म्यू ये सिग्मा, ये हमारा स्किन डेप्थ है, या फिर ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन टू, तो दो तरीके से हम बीटा को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वीपी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, तो जो वीपी होता है वो हमारा ओमेगा बाई बीटा होता है, और उसी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो वो हमारा बन जाता है वीजी, ये वीजी है जो कि इसके इक्वल है डी ओमेगा बाई डी बीटा, मतलब ओमेगा बाई बीटा अगर हम लिखते हैं ये ओमेगा बाई बीटा, तो ये हमारा वीपी है, और इसी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी ओमेगा बाई डी बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वीजी बन जाएगा। तो ये वीपी वीजी में ये हमारा रिलेशन होता है, और वीपी हमारा फेज वेलोसिटी है और वीजी हमारा ग्रुप वेलोसिटी है, तो वीपी अपॉन वीजी का हमको रेशियो पूछा गया था। तो ये जो ओमेगा अपॉन बीटा है, पहले वीपी को निकालते हैं पहले, तो ओमेगा अपॉन इस फॉर्मूले को लगा दिया, ठीक है, ओमेगा म्यू ये सिग्मा अपॉन टू, इससे क्या निकल के आया, रूट टू ओमेगा अपॉन म्यू इंटू सिग्मा, ये निकल के आया वीजी वीपी, ठीक है, ये निकल के आया वीपी, तो ये वीपी लिख लिया। अब वीजी निकालने के लिए इसी को हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि डी बीटा अपॉन डी ओमेगा इनवर्स, मतलब आप पहले ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो फिर उसका इनवर्स आखिरी में कर देना, तो ये करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ गया टू अपॉन ये रूट टू ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये हमने किया है डिफ्रेंशिएशन, आप खुद भी करके देख सकते हैं, तो वन बाई टू, और फिर ये रूट, ये क्या है, ये पूरा रूट है, ये वन बाई टू और ये रूट, रूट में भी टू ऊपर है क्योंकि माइनस इसकी पावर है, तो रूट करके ये तो फाइनल वैल्यू जो आई वो ये आई, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट ये ओमेगा अपॉन टू म्यू सिग्मा, ये करके लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन ये करके। अब ये वीजी आ गई और ये वीपी आ गई, अब इनका जब रेशियो करेंगे तो वो टू दे देगा, तो हमें केवल जो याद रखने वाली बात है, वीपी का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन बीटा, वीजी का फॉर्मूला डी ओमेगा अपॉन डी बीटा, बीटा का फॉर्मूला रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन टू ये है, या फिर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा, और वीजी अपॉन वीपी का सीधा होता है कांस्टेंट के इक्वल है जो कि वैल्यू टू के इक्वल है, तो कभी भी वीपी अपॉन वीजी पूछेगा या वीजी अपॉन वीपी पूछ रहा है, वीजी अपॉन वीपी ग्रुप वेलोसिटी अपॉन फेज वेलोसिटी रेशियो ऑफ ग्रुप टू फेज, तो ग्रुप टू फेज मतलब ग्रुप ज़्यादा वाली चीज़ें भी उसका डिफिनेशन करते हैं, तो वीजी अपॉन वीपी पूछ रहा है तो टू, अगर फेज अपॉन ग्रुप पूछ रहा है तो 1/2 हो जाएगा या फिर 0.5 हो जाएगा, अगर वीपी ऊपर होगा तो 0.5, वीजी ऊपर होगा तो 2, ये भी याद रखने वाली बात है, वो घुमा के भी पूछ सकता है कौन सा ऊपर नीचे, तो वीजी ऊपर है तो 2 है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं 25 की, कि माइक्रोवेव सिग्नल्स फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ चुका है एक बार, यहाँ भी आ चुका है, और पूरे पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
एक लाइन की डेफिनेशन है कि जो माइक्रोवेव सिग्नल अर्थ की कर्वेचर को फॉलो करते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डक्टिंग कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डक्टिंग। तो डक्टिंग हमारा जो माइक्रोवेव सिग्नल, ये जो अर्थ है इसके कर्वेचर को फॉलो करते हैं तो उसको हम डक्टिंग कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन इज यूज इन। स्काई वेव प्रोपगेशन हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, मोबाइल ट्रांसमिशन में इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस बिल्कुल ही जरूरत नहीं, मीडियम में भी नहीं, केवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन में स्काई वेव प्रोपगेशन को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं 29 की, अ गुड कंडक्टर इज प्लेनर इन फॉर्म एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव विद लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें वेवलेंथ दिया, गुड कंडक्टर दिया, दो बातें पता चली, और वेलोसिटी तो हमें पता ही, अच्छा वेलोसिटी भी उन्होंने खुद की दी है कि इस वेलोसिटी से वेव हमारी चल रही है, अज्यूमिंग द कनेक्टर इज नॉन मैग्नेटिक फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी तो बड़ी इजी है, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अब एक्चुअल में तो क्या होता है, जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है सबको पता होना चाहिए कि सी इज इक्वल टू म्यू और लैम्डा। अच्छा, इसको याद करने में आसान है, सी क्या होता है 3 × 10⁸, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो वो एक तरफ रहता है और म्यू इंटू लैम्डा अलग अलग रहता है। अब यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो, इसको इधर ले जाओ, म्यू को उधर ले जाओ, वो हम खुद से बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या, अगर हम केवल एफ को लिख रहे हैं या फिर म्यू और एफ एक ही बात है फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा या फिर वी अपॉन लैम्डा। तो यही किया, तो ये हमने वी की वैल्यू लिखी, ये लैम्डा की वैल्यू लिखी जो गिवन है, और इस सॉल्व वो क्या गया 1 GHz। तो ये ए का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल ए का, तो 1 GHz हमारा सॉल्व वो क्या आ गया। उसके बाद बात करते हैं 30 की, द फेज एंगल करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाई 4 इन अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। ये याद करने वाली चीज़ है कि अगर लैम्डा बाई 4 के रिगार्डिंग पूछ रहा है, फेज एंगल करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाई 4 इन अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न, कहाँ पूछ रहा है स्टैंडिंग वेव पैटर्न में, तो वो फेज एंगल होगा हमारा 90 डिग्री, अगर लैम्डा बाई 4 के रिगार्डिंग पूछ रहा है। और इसको याद करने का तरीका क्या, भाई लैम्डा बाई 4 बोल रहा है, ये 4 से आप याद कर लो। अब टोटल कितना हो गया हमारा 360, तो 360 में आपने क्या किया, 360 आप 4 कर रहे हो, तो ये भी आपको 90 ही देगा, डिवाइड बाई 4 90 देगा, तो 90 डिग्री। उसके बाद 31, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर। अगर ये किसी परफेक्ट कंडक्टर पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट कराते हैं तो वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जब बात आएगी परफेक्ट, ये परफेक्ट वर्ड के बिना हम पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन परफेक्ट कंडक्टर की बात करें तो वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर इज इंटायरली रिफ्लेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, कि ये पी और क्यू दो वैक्टर दिए, आर आर इन इक्विलिब्रियम। तो पी क्यू एंड आर, मतलब पी और क्यू दिए और आर तीनों हमारे इक्विलिब्रियम में, इफ़ अगर आर क्या है, मतलब वो पूछ रहा है कि पी और क्यू तो दिए हैं और आर भी उनके साथ है, और अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है कब होंगे, जब हमारा आर क्या होगा, तो वो आर हमें निकाला है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम आर निकालेंगे, तो आर क्या जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, तो इसमें ऐड कर देंगे, देखो ये 2i - 3i, ये क्या बना देगा 2i - 3i, ये माइनस आई बना देगा, ये यहाँ पे माइनस आई हो गया। इसी तरीके से बाकी सॉल्व कर लेंगे, तो ये फाइनल हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i - j + 2k, ये हमारा बी ऑप्शन ठीक आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी भाई, याद रखना कि इक्विलिब्रियम का मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का सम हमारा जीरो है। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे भी हम किसकी बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। ओके, अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, से एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है जो कि ओमेगा है, अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड, इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ द बॉडी, एक पॉइंट जो बॉडी पे है उसकी वेलोसिटी वी है, तो कर्ल वी हमसे पूछा गया है, तो कर्ल वी यहाँ पे होगा ओमेगा क्रॉस आर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा बड़ा भी लिखूँ, तो वी इज ओमेगा क्रॉस आर। तो आर हमारा क्या है, आर हम खुद से लिखेंगे, ये हमारा लेंथ फैक्टर है कि आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आई के डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्स के डायरेक्शन में आई, वाई के डायरेक्शन में जे और जेड के डायरेक्शन में के। अब वी क्रॉस आर लिखना है, तो उसको करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि आई, ये इस तरीके से लिखते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं उसका तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स लिखो, ऊपर आप क्या लिखो आई जे के लिखो, और यहाँ पे वैल्यूज लिखो दोनों जो अलग अलग वेक्टर है जिनका ओमेगा और आर का करना है। देखो आर के रिगार्डिंग आई जे के रिगार्डिंग वैल्यूज क्या है, देखो एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स वाई जेड लिखा, बट बात अगर ओमेगा की कर रहे हैं तो ओमेगा केवल एक एक्सिस के अराउंड होके घूम रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू हम केवल ये 0 0 ओमेगा लिखेंगे। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा एक्स, इस तरीके से आया, ये हमारी वी की वैल्यू आई, ये केवल वी की वैल्यू अभी आई है। अब कर्ल वी की बात करेंगे
तो यहाँ पे हम फिर ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड करेंगे, ऊपर वही आई जेड के और नीचे जो अब वैल्यू निकल के आई उन वैल्यूज को यूज करेंगे। ये केवल v की वैल्यू आ रहा है, ये कर्ल v नहीं है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है इस तरीके से लिख के कि कर्ल v की वैल्यू क्या होगी। तो ये पहले v की वैल्यू निकाली हमने इस तरीके से, ये v निकला, अब वो कर्ल v पूछ रहा है। तो कर्ल v के लिए फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि आई जे के जो मैट्रिक्स अपन बीच में पूरा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड लिखते हैं बाई डिफॉल्ट। उसके बाद ये वैल्यूज लिखी जो इसकी वैल्यूज आई हमारी वी की, ये क्या है, ये पूरी हमारी जो इक्वेशन ये किसके इक्वल है, ये वी के ही इक्वल है। ये लगाया तो इसको सॉल्व किया तो टू ओमेगा क्या आया, तो कर्ल वी हमारा हो गया टू ओमेगा, ये वैल्यू हो गई कर्ल वी की। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो टू ओमेगा हमारा आंसर होगा, वैसे अगर बोले तो टू ओमेगा के भी हम लिख सकते हैं, मतलब पूरा जो कर्ल वी होगा टू ओमेगा के, पर के हमारी डायरेक्शन बता रहा है तो टू ओमेगा यहाँ हो, क्योंकि सारी चीज़ मैग्नीट्यूड में दिए चारों ऑप्शन, तो हम आंसर कर देंगे टू ओमेगा। अच्छा, ये पूरा एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि एक बॉडी, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दिए किसी के अलग अलग, कि एक रिजिड बॉडी है वो किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रही है ओमेगा से, और वी वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ द बॉडी है, तो कर्ल वी जो होगा हमेशा आप याद रखो टू ओमेगा के इक्वल होगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट याद ही मतलब कर लेंगे, कर्ल वी इज टू ओमेगा। ओके, तो ये हमारा 33 हो गया। 34 से देखेंगे नेक्स्ट।